सनातन की ताकत देखिए। जिन लोगों ने कभी बहकावे तो कभी डर की वजह से सनातन को त्याग दिया था, आज वो फिर से घर वापसी कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि हिंदू धर्म से बेहतर कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। आज वो सनातन संस्कृति में वापस लौट रहे हैं। जिन देशों में कभी सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता था, आज वहां दिवाली और होली मन रही है। जिन मुस्लिम देशों में कभी हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, आज उन्हीं मुसलमानों के देश में बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। जिन कट्टर देशों ने कभी हमारी संस्कृति पर चोट की, हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट किया, आज वही हमारे मंदिर दोबारा बनवा रहे हैं, और वो भी वो देश हैं जहां से इस्लाम का उदय हुआ। हालांकि ये बहुत सारे कट्टर मुसलमानों के लिए दर्दनाक है। वो नहीं चाहते कि इस्लामिक देशों में मंदिर बने, लेकिन बेचारे करें भी तो क्या करें। अब करोड़ों कट्टर मौलानाओं को ऐसा ही दर्द दिया है दुबई के फेमस बिजनेसमैन डॉक्टर अब्दुल्ला ने, उस शेख ने जो अरबों खरबों का मालिक है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो पैसे में खेलता है। लेकिन अब वो शेख भी सनातन में वापसी करने की सोच रहा है, सनातन की ताकत को समझ रहा है। ये हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, जिनके साथ भारत की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी दिखती हैं, जिनके आगे पीछे सुरक्षा कर्मी दिखते हैं। वही डॉक्टर अब्दुल्ला पहुंचे बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने। डॉक्टर अब्दुल्ला बागेश्वर धाम के चरणों में बैठे थे, उनके सामने नतमस्तक थे। उनकी इस तस्वीर ने दुनिया के हर इस्लामिक देश को दर्द दिया है। आखिर कैसे एक मुस्लिम ने पूरा सोशल मीडिया हिला डाला, कट्टर मौलानाओं की नींद उड़ा दी, अब ये आपको बताते हैं। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले चर्चित कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो आप जानते ही हैं। दूसरे मजहब जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, हलीउल्लाह वाले। कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम पहुंचे थे दुबई के शेख डॉक्टर अब्दुल्ला। यहां पर डॉक्टर अब्दुल्ला की मुलाकात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से हुई। ये मुलाकात इतनी फेमस हुई कि सोशल मीडिया पर देखते ही देखते छा गई। लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करने वाले हिंदू धर्म के संत से डॉक्टर अब्दुल्ला ने क्यों मुलाकात की, क्या बात हुई। डॉक्टर अब्दुल्ला दुबई के उन प्रतिष्ठित लोगों में से एक है जिनके कई कारोबार हैं और लगभग 270 बिजनेस चेन हैं। इनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लिहाजा किसी का भी ये सोचना लाजमी है कि अरब खरबपति व्यक्ति की बागेश्वर धाम में क्या मन्नत हो सकती है। अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्हें भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में बाबा बागेश्वर, जिन्हें धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के नाम से जाना जाता है, उनसे मिलने का अवसर मिला। वो एक्स पर बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल अकाउंट से लिखा गया कि दुबई से आए भक्त के संग मिलते पूज्य सरकार। बागेश्वर धाम अपने दरबार में दीन दुखियों के सवाल सुनते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। अब सवाल ये है कि एक अरब खरब पति क्यों बागेश्वर धाम पहुंचा, क्या उन्हें कोई समस्या है। वो अपने भविष्य और परेशानियों के निदान के लिए आए हैं। सबसे खास बात यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री डॉक्टर अब्दुल्ला के कानों में कुछ बोलते हुए नजर आए। साफ है कि बागेश्वर धाम जी का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहा है, बड़े बड़े लोग उनके चरणों में हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला भी उसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल्ला स्वामी रामदेव से भी मिल चुके हैं, उनका आशीर्वाद ले चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला उन सभी चेहरों से मिल रहे हैं जो सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई उनके चरणों में नतमस्तक है। यही तो सनातन संस्कृति की ताकत है। इसे सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लग रही है। उन्हें इस बात का दर्द है कि जहां इस्लाम का उदय हुआ, वहां हिंदू मंदिर कैसे बनने लगे। दुबई के शेख अब मंदिर ही नहीं बनवा रहे, बल्कि वो अब हिंदुओं के धर्म गुरुओं के पैरों में पड़े हैं। यही तस्वीरें अब पूरी दुनिया के कट्टर मौलानाओं की नींद उड़ा रही है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम।